दबंग थ्री का म्यूजिक बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है जो हमारे साथ में है म्यूजिक साजिद वाजिद बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉल पे हाय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंड बारको आपको पहले तो मैं आपसे ये जाना चाहूंगा म्यूजिक बहुत कामयाब हो रहा है, सी बात है आपके जो स्ट्रेड मार्क आपकी मेलेडी है उसमें आ, सुनाई देने को मिल रही है एंड लोगों को बहुत पसंद आ रही है लेकिन ये जो कुछ अरसा आप लोग म्यूजिक के सीन में सुनाई नहीं दे रहे थे उसका रीजन क्या है एंड uh, उस वक्त uh, हम लोग थोड़ा सा हिल गए थे बिकॉज दर इज़ टू मच ऑफ फादर इन अस एंड हिज लाइफ इज प्रिंसिपल एंड कहीं ना कहीं हम लोग मेरे ख्याल से उस वो जो वक्त हमारी फैमिली के लिए लिखला वो बहुत ही डेलीकेट और बहुत ही मतलब हम लोग अंदर उसे हिल गए थे दो वी वर नॉट टॉकििंग इन उस वक्त हमने काफ़ी दो तीन बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना खुद बोल के छोड़ी बिकॉज हम लो उस लोग उस वक्त पापा को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, एंड ही वॉज गोइंग थ्रू दैट सो वी सेट प्लीज टेक अन एट द कॉल बिकॉज वी आर बेज वी आर देयर एंड पापा के इंतकाल के बाद सडनली uh, लाइफ में ना इतनी फास्ट वो होती है ना वो फिल्म देखते ना फास्ट फॉरवर्ड में चलती है तो दिन में से निकलने लगे पता नहीं चलने लगा कितने दिन निकल गए एंड मॉम का ध्यान सडनली सारा टेंशन मोम पर आ गया देट पॉइंट टाइम यू नो हमारे करियर में आई वी वेरी ऑनस्ट व्यू हमारे करियर में हमें पता नहीं चला हमारे बच्चे कब बड़े हो गए यू नो वी आर ऑलवेज बिजी राइट वाई हम लोग सिर्फ <coughs> काम करते गए काम करते गए रात दिन बिजी रहे हम लोगों को टाइम नहीं मिला उनके साथ सो आई थिंक वी नीडेड दैट टाइम दैट दैट फेस गेव द इम्पोर्टेंस की नहीं फैमिली के अंदर भी देखना है एंड यू नो वी घर में जब कोई ऐसा शख्स इंतकाल फरमा जाता है तो बट और खास करके जब मैंने फादर जो गुरु भी हूँ तो एक थोड़ा सा सेटबैक आता है फिर उसके बाद में आप देखते हो कि हमारे इर्द गिर्द में कौन कौन है सो so, जब फैमिली देखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ये रहता है तो या दैट वॉज ऑल्सो देर एंड बिसाइड दैट वी वॉन्ट वी ऑलवेज वॉन्ट टू मेक आवर ओन स्टूडियो सो वी वी लुकिंग फॉर दैट प्लेस ऑल्सो एंड लकीली वी गॉट दिस तलीम प्लेस एंड

you know, vajit uh, was very strong in making this studio and he was doing that and we were exploring a lot of things. and he went we, to abroad for a lot of uh, exploring music and all. he stayed there for almost one and a half, two months. and then he made his own band in uh, zurich. I, I, for four years i was traveling and i went and learned a lot of music also, a lot of uh, courses i did for electronic. what what is the future is going where? and to understand acoustic because zurich is a very.

मैट पीपल विद म्यूजिशियंस को बुलाया था हमने तो हमने वो जो गाने की थीम है ना जो टू की जो थीम थी तो हम रहर... बिल्कुल तुम्हारे जाए कहाथ वरुण So yes. so, जुड़वा टू के अंदर वैन वी डेड दैट सॉन्ग सो उसके अंदर हमने पूरा वो थीम उनको बुला के सेक्सफोन वॉयिन ट्रम्फिट एंड सुपरानो वी मिक्स दिंग विद एंड मेड इट लाइक अलर थीम एंड ऑनलाइन पूरी पिक्चर में वो थीम यूज हुई है क्योंकि डेविड से लव्ड इट अलॉट सो जब जब वो वरुण के सेकेंड कैरेक्टर की एंट्री आती है सो दिस थीम इज देयर सी द आइडिया इज़ ब्रदर टू अंडरस्टैंड कि हमारी कॉम्पोजिशन अगर इस दिशा के अंदर अरेंज होगी तो कैसी साउंड होगी बिकॉज वी वी ओनली वर्क विद बॉलीवुड बट एंड ऑफ दे वी हैव म्यूजिशियन एंड म्यूजिशियन इज रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉम्बिनेशन कोलेब्रेस हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बट यहाँ हम सिर्फ बॉलीवुड के लिए करते हैं तो लोग बागों ने सर ये बॉलीवुड की कंपोज और म्यूजिक एक्चुअली एक और चीज़ क्या होती है म्यूजिक बहुत बड़ा होता है वो कोई भी एक सीमा में सीमित नहीं रहता और जो हमने बचपन से सीखा है जिस तरीके के म्यूजिक हमने सीखा है और जो जो जॉनर हमने सुने हैं अब वो जॉनर ऑलमोस्ट बंद से हो गए हैं so, सो कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ों को सीख के आप बड़े हुए हैं उन चीज़ों पे आपका विश्वास बहुत होता है कहीं ना कहीं ये लगता है कि ना पैरल म्यूज़िक भी आना चाहिए और अपने लिए भी म्यूज़िक करना चाहिए बिकॉज़ कहीं कहीं होता है कि हम स्टीरियो हो जाते हैं एक ही फिल्मों का ही म्यूजिक कर रहे हैं और वही कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योर ओन फील्ड एंड आई फील गैप मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें गैप नहीं मिला हमें सत्ताईस अट्ठाईस साल से हमें कभी वो वक्त ही नहीं मिला

इट्स नॉट दैट कि वो गाने कर रहे हैं तो वहाँ से हमने तीन गाने पहले ही उठा लिए क्योंकि दबंग में ये तीन हिट है इसी को हम रीवैम करेंगे और इसी को करेंगे नो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग बट टच वुड द ग्रेस ऑफ गॉड अलमदुल्ला एवरी थिंग इज वेल एंड माशा एज यू सेड इन द दिग्निंग ऑफ द इंटरव्यू द म्यूजिक एल्बम इज यू नो पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट बिग टाइम और सारे गाने सबको बहुत पसंद आ रहे हैं एंड इफ यू नोट ब्रदर वी आर नॉट दो पीपल हु गिव टू सॉन्ग्स इट हमारी ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हम ये नहीं बोलते कि हम पूरी फिल्म का म्यूज़िक हिट ही देते हैं नहीं मगर मतलब हमारी कोशिश वो रहती है हमारी हर वक्त कोशिश वो रहती है मतलब यानी हमने अगर कंप्लीट करने के बाद भी अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया बॉल हो रहा है ना तो वो हम उसको इम्प्लाई करते हैं कि इसके अंदर करके क्या, और क्या इसके अंदर जादू ले आए सो so, हमारे लिए हर एक गाना है ना हमारी पूरी एल्बम टक्कर का होता है है तो वी लाइक एंड आई यू नेवर नो ना कौन सा गाना पहले आएगा थिंक so, uh, सारे गानों में सेम शिद्दत होनी बहुत जरूरी बिकॉज़ म्यूजिक uh, एक ऐसी चीज है कि uh, पहला पत्ता खुलता है फिल्म के अंदर सो इट्स इट मुन्नी बदनाम तो hmm. म्यूजिक

थोड़ा सा कभी कभी ऐसे ऐसा शॉट मारते हैं कि उसका कैच आती नहीं है जल्दी ही चेक कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को हाँ, तो उनका। ही मस्ट हैव अबाउट इट। उन्होंने बहुत डीप सोचा होगा और उन्होंने सबसे पहला वर्ड वाजिद भाई के कान में निकाला मुन्ना बदनाम कैसा रहेगा

and what a brilliant hit it proved to be 100% मतलब जो उस गाने की जो कामयाबी थी आई थिंक गैर मामूली. बहुत ही रेयरली ऐसा होता है नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना जो हिट हुआ था उसके बाद में फेविकोल लेके आए हम लोग फेविकोल भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हिट रहा बल्कि इनफैक्ट वो, वो जो काउंटिंग करते हैं वीक वाइज गाने के चक्कर में और फेविकोल हिट हो गया <laughs> फेविकॉल वालों का फोन आया वो लोग बोलने लगे यार कमाल करते हो तुम लोग वो साइड पे मिले थे तुमने तो चिपकाने के लिए मुझे खरीदना पड़ा मुझे इस बात का बड़ा खेद है <laughs> 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 तो जब ये थर्ड सीरीज आ रही थी और इसके अंदर जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे मुन्ना बदनाम की बात आई तो मुन्ना बदनाम एक्चुअली आइडिया इतना अच्छा लेकिन मुन्ना बदनाम के पीछे पूरी कहानी है तो वो गाना ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक गाना आ गया मुन्ना सैज ना इनोसेंट से पहले थे कहती थी दुनिया तूने बिगाड़ दिया वो मेरी मुनिया तो मुनिया के ऊपर इल्जाम है सो क्या गाना कैसे बनता है इनोसेंट से पहले ते कहती थी दुनिया तूने बिगाड़ दिया हो मेरी मुनिया मुछो का बाहर बना के सेट वेट का जेल लगा के तो खूब चश्मा चढ़ाया सेट वेट का जेल लगा के तेरे पीछे पीछे मेरी जानिए कमाल हुआ रे मुन्ना बदनाम हुआ मुन्ना बदनाम हुआ डारलिंग तेरे लिए मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिएगैम मुगेम्बो खुश हुआ ह्यूमर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गानों के अंदर ह्यूमर रहना और ये सी यही हमारी लाइफ है और हम लोग तो है ना हम लोग इंडियन लोग हैं आई विल टेल यू वन थिंग हम लोग बहुत अलग किस्म के लोग लोग बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जाता ना हम को तो है ना सिर्फ रीजन मिलना चाहिए डांस चालू करने का <laughs> जरा सा कुछ हो रहा है नाचना चालू है। हम अगर खुश खबरी भी अगर दे रहे ना तो नाच नाच के देते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं डीएनए में है ना डांस वांस ये सब पूरा भरा हुआ है ऑल ओवर इंडिया hmm. में आई थिंक ह्यूमर नहीं होना अगर म्यूजिक के अंदर तो म्यूजिक अच्छा नहीं बन सकता इट गिव्स यू इंसान के अंदर तो शादी भाई तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस हैं और बड़ी मस्ती करते हैं जब भी मैं सीरियस होता हूँ तो मुझे हंसाने का काम यही करते हैं कुछ ऐसा है डायलॉग मार देते हैं कि हंस के गिर जाते हैं सब लोग हाँ भाई तो सही है ना यार लाइफ बहुत छोटी है हाँ ये बात तो सही है होना हाँ, चाहिए हाँ, कुछ कुछ तो झोली से कबूतर निकलना चाहिए झोली से पुड़िया निकलेगी तो कुछ नहीं होगा मैं इसको बोलता हूँ मेरा लाइफ बहुत छोटी है तेरी मांग बहुत मोटी है

फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्से में नैना बहुत तगड़ा आ गया क्योंकि बहुत तगड़ा ऐसा तो है नहीं है कि नैना गाने किसी ने नहीं किया मेरे नैना भादो फिर भी मेरा मन प्यासा एंड ऑल गुड जाग जा <laughs> जाग जा सो मत बोले तू को नैना लड़े के लड़े ये गाना बहुत इसके अंदर एक गए स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक नया अल्फाज हमने यूज किया है कि हम जहां थे वहीं पे खड़े के खड़े रह गए तो ये एक कहावत होती ना कि यार मैंने उसको देखा और मैं खड़ा के खड़ा ही रह गया तो एक मुशाबत देते हैं ना जिस चीज को उसको गाने में लेके आए और नैना लड़े के लड़े रह गए तो ये जो सिम्बली है ये बड़ी खूबसूरत और स्पेशली जो कम्पोज भी हुआ है उसको इसका मुखड़ा जो है ना वो बड़ा ख्वाबों में आपकी सोच आपकी बात ख्वाब में हो रही है ना? You यू मिस्ड आउट आप देख के एक चीज को देख के आप अटक गए यू आर नॉट देयर कितने टाइम होता है हमारे पास प्रेजेंस इज नॉट इन विद यू तो वो एक बड़ा था ना हम दिखे जहां दिखे थे वहीं पे खड़े रह गए उनसे मैं ना लड़े के लड़े रह गए मैं ना लड़े के लड़े रह गए मैं ना लड़े के लड़े रह गए नैना लड़े के लड़े रह गए नैना लड़े के लड़े रह गए नैना लड़े के लड़े उसके अंदर टेम्पो भी करी हमने जैसे आपने कहा ना कि क्लासिकली और रिदम के लिए इसके अंदर एक एक पोर्शन ऐसा क्या नैना लड़े के लड़े रह गए नैना लड़े के लड़े रह गए नैना लड़े के लड़े नैना लड़े नैना लड़े के रह गए

अच्छा भी, भी एक दो एक चेंज और बता हाँ ब्यूटिफुल चालू है ना मुझे डराने के लिए बहुत ऐसी चीजें होती है जो एक गाने को खूबसूरत बनाती है सम गाने को खूबसूरत बनाता है सम पर आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम खुलना जैसे तेरे मस्त मस्त दोने दिल क ले गए चैन मेरे दिल क ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोने तेरे मस्त बड़ा गदकन गदकन तो ये है ना अब जो म्यूजिक जो हमारे शरीर में जो घुसा हुआ है तो इस टाइप की जो पिकअप्स है ना वो बॉडी को थोड़ा सा वो देती हैं आगे जैसे अभी सम की बात सोचा ना तेरे भेजे भेजे मेरी जानी ये कमाल हुआ रे उन्ना हुआ टाउ ना बदनाम के 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 दादा हां हुआ डार्लिंग तेरे लिए तो ये सम खुलता है यहां पर जो ऑडियंस का एक जो पल्स होता है ऑडियंस सम पर ही नाचती है वो बहुत ही बेसुरा या बेताला होगा जो कहीं पे भी नाचना शुरू कर देगा ऐसे लोग हैं जो कहीं पे भी नाचना चालू कर देते हैं ना जैसे कि टॉनिक वॉटर लेने के बाद तो फिर तो <laughs> में कहीं में तो <laughs> <laughs> लेकिन राहत फतेहअली साहब राहत फतेहली और ये गाना हम लोगों ने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था ये गाना जो दौर आप बोल रहे हो कि गैप कहाँ थे आप तो उस वक्त हमने राहत भाई को ये गाना रिकॉर्ड किया था हम ये सोच के रिकॉर्ड किया था कि hmm. ये ये गाने की शिद्दत थी कि ये दबंग के अंदर आ सकता है एंड दैट टाइम वी वर इज एट योर कंट्री वांट्स जो देश के जिस जैसे हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से यू you नो know, हमारे देश के अंदर रूल्स हैं आई थिंक उससे बढ़कर कोई बात होती नहीं है तो आई थिंक हाउ मच एवर वी लव टू कीप राहत भाई

रफी एक, एक <coughs> साहब बहुत, हाँ तो बहुत अलग है और राहत भाई के साथ इसलिए भी था क्योंकि राहत भाई डबंग सीरीज के एक पार्ट भी रहे तो उन्होंने पहले के भी तेरे मस मस दो दोन गाया दगाबाज गाया है तो एक ऑब्बियस चॉइस भी थी ऐसा नहीं लेकिन वी ऑल अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स अ बेटर डिसीजन कोई बात नहीं हर चीज ठीक हो जाएगी फिर करेंगे नौकरी तो फिर खरीदांगे बंदूक कुछ तो खा गई दुनियादारी कुछ खा गई मशूक फिर करेंगे नौकरी तो फिर खरीदांगे बंदूक जिंदगी का नाम ही, ही है, ये सरकार

Is given by India. नहीं, पहले तो ऐसा भी बहुत हुआ ना कि पाकिस्तानी गाने चुरा, चुरा के हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत गाने बनाए हैं तो ऐसा so भी हुआ है होता रहा है लेकिन उसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं रखी तो बोले ठीक है भाई निगल रही गाड़ी काम चल रहा है खैर ये तो ये तो एक मेरे से, से बात है पीपलिंग इन इट ऑल टूगेदर द फिल्म इम्पोर्टेंट और म्यूजिक साजिद वाजिद का दबंग थ्री का म्यूजिक इज नॉट लेसर देन एनी नेम वी ऑलवेज बिलीव इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फिल्म ऑफ इट एंड वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जब फिल्म का म्यूजिक आता है जब पत्ता खुलता है तो लोग डिसाइड करते हैं कि इसका संगीत कैसा होगा तो अभी अलहमद वेरी काइंड और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है करम है कि छे के छह गाने पीपल हैव लव्ड इट और ऐसा बहुत कम होता है कि छे ओरिजिनल गाने क्योंकि आजकल ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि ओरिजिनल गाने चलते नहीं है इसलिए कोई बनाता नहीं है सो so ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक विद बिग फिल्म एंड विद एनी फिल्म यू मेक अ न्यू सॉन्ग एंड इफ सॉन्ग हैज पोटेंशियल तो वो करेगा बिकॉज हम अपनी नई जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं आज जो रीमिक्स चल रहे हैं वो पुराने गानों के ऊपर चल रहे हैं ना तो पुराने गाने तो ओरिजिनल थे ना वो तो कॉपी नहीं थे कहीं के आज अगर हम ओरिजिनल नहीं करेंगे तो आगे के 10 साल 20 साल बाद में क्या होगा वाजिद बात वो नहीं है सी यू हैव टू अंडरस्टैंड जो गाने पुराने आ रहे हैं ना वो इसलिए आ रहे हैं कि मेलोडी की कमी है आज इसलिए वो melody fill करी जा रही है जो म्यूजिक है ना जो फीलिंग है दिस इज टू डीलो पीपलानी का फॉर एग्जांपल उनका है कि लेनी लेनी चाहिए चाहिए बिल्कुल वो नहीं लेनी चाहिए यार मुझे एक बात बताओ आज बर्मन के गाने जो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के गाने अब वो कोई एक फलाना डीजे उसको मिक्स कर देता है वो गाना आने वाली जनरेशन उस डीजे के नाम से जानती है इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा एक टेक्नोलॉजी की दुर्भाग्य है कि, कि किसी ना किसी बदतमीज की फतूर की दिमाग है ना ये कि मेरा नाम आना चाहिए अरे अरे यार यू टेक नेम And he's saying, I have inspired by the legendary this guy, and I've made, I've created something. I think if he's... you like it, thank you so much. And unko, this who... is who I am. Unke naam Don't पर... say that this is my song. That makes a lot of sense. Unke naam ka hissa bhi jana chahiye. Because kya hota hai? Then baad mein, aaj kal rights aa gaye hain. So, sab apna तो बहुत सारे issues तो हैं कहने का मतलब लेकिन उसको deal करने के लिए एक आदमी की बात नहीं है पूरी community चाहिए अरे मेरे को कितने सारे गाने बच्चे सुनाते हैं बोले अरे यू सॉन्ग सॉन्ग दैट डीजे आई तो बोले हाउ दैट डीजे हैज मेड अ न्यू ट्रैक एंड और मैं गाना सुन रहा हूँ यार वो पुराने वाले गाने जहाँ नजर है मेरी अब उन बच्चों को पता ही नहीं है किसने उसको कंपोज नहीं आपने ना लिरिक राइटर का नाम डाला हुआ है ना कंपोजर का नाम डाला हुआ है ना किसी का नाम डाला आपने डाला क्या है कि ये फलाना डीजे और दिमाग का टीजे <laughs> तो वो डाला हुआ है तो वो नाम वहां चल जाएगा तो तो वेरी वेरी इज अ बिग प्रॉब्लम इन पीपल you know? think... यू नो पता कौन लोग हैं ये वो कूड़ लोग हैं जो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिनको इस चीज की तमीज नहीं है और ये गंदगी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बुराई अगर बाहर आ रही है ना तो कुछ बुरे लोग कर रहे हैं अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं बट आई थिंक एक एक और चीज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज आज जैसे हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आई एम श्योर और भी काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि चट मंगनी पट गया चल रहा है फास्ट फूड का ज्यादा जमाना है पहले जैसे हमारे वाले हमको रियाज करवाते थे, थे और बैठा के रखते थे कि नहीं रियाज करो ये करो वो करो आजकल सब कुछ मतलब मुझे लगता है कि कोई भी आया और कोई भी बन जाता है इज़ गुड आई थिंक नए लोगों को चांस मिल रहा है बट आई जस्ट थिंक दैट मीडियोरिटी से बाहर निकलो थोड़ी सी मेहनत करो एंड आई थिंक हाँ थोड़ा समझो तो अच्छा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बॉलीवुड इज इज अ वेरी बिग थिंग इन दर्ल्ड राइट नाउ मतलब हम दुनिया में जाते हैं वहां पर आप यकीन मानना

अभी तो वो तो जगह कुछ बात करें कि exactly गाया था <laughs> <laughs> अभी अभी ये नहीं बोल रहा था ये। नहीं तो नहीं, नहीं, नहीं उस गाने पे वाजिद भाई की नजरें गड़ चुकी थी बट वाजिद भाई ने सोचा कि इस गाने को साजिद भाई और एक अच्छा कोई कर सकते हैं अगर ये करे तो मैं बोला क्या लगता है बोले सलमान भाई तो मैं बोला ये तूने एकदम मोह मांगी बात बोल दी एंड इनफैक्ट सलमान भाई को हमने जब ये पिच किया ना बोला भाई लेस डू दिस लेस ट्राई दिस बोला नहीं नहीं उन्होंने बोला नहीं यार वाजिद की वॉइस बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत पावरफुल गाया और उसका डाने मैं बोला भाई जस्ट ट्राई दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग Doesn't need नीट dynamic. This song थीट Salman Khan's attitude, the real Salman Khan's attitude. And believe me, हम लोगों ने हंसते खेलते गाने को है ना मजाक मजाक के अंदर you know खेलते खेलते गाना रिकॉर्ड किया And Salman भाई हंसी मजाक कर रहे you know, I've got few videos also. ऑल्सो I will put it on my. And हंसी मजाक कर रहे हैं एंड हंसते मजाकते करे गा दिया अच्छा गाने के बाद उनको ना सबसे बड़ी फिक्र होती है बोले कैसा लग रहा है मेरी वॉइस <laughs> सही लग रही है ना उनको ये रहता है कि यार यू नो जस्ट बिकॉज आई एम सलमान खान मैंने गा दिया बट आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद द पीपल ही इज़ वेरी जेन्यून विद दैट थॉट ही नोज इज हीज़ गॉट दैट पावर इन द इंडस्ट्री कि अगर वो चाहे तो गा सकता है और किसी को केयर ना करे बट ही स्टिल केयर्स फॉर हिज पीपल हु आर लिसनिंग टू हिज म्यूजिक यू वॉन्ट बिलीव आफ्टर वी मेक्स द सॉन्ग सलमान भाई का एक दिन कॉल आता है सलमान बोलते हैं बोले सुन मेरी बात मैं बोला जी भाई बोलिए बोले यार वो जो यूं करके गाना है ना वो मेरा हटा दे वाजिद का ही रख ले तो मैं क्यों बोले नहीं मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैं बोला ऐसा कुछ भी मत सोचो भाई वो मिक्स होके आने दो उसके ग्रेंज जब बनेंगे वो गाना बहुत बड़ा गाना है एंड बिलीव मी ये गाने का पिक्चराइजेशन जिस दिन आप देखोगे ना ये एक गाना ऐसा तीर की तरह निकलेगा सॉन्ग नहीं बिकॉज एक स्टार का एटीट्यूड जो होता है ना वो एक सिंगर में नहीं आता है खैर मैं तो कैरेक्टर को देख के ही गाता हूँ मैंने जो भी गाने गाए आज तक के मैं पूरा वो स्टडी करके ही गाता हूँ तो मैं उसको एक सिंगर की तरह नहीं गाता मैं एक कैरेक्टर की तरह गाता हूँ इसलिए फर्क आता है मेरे गानों में चाहे वो जलवा देख लो केंद्री पॉप ऑफ जैम देख लो या यू नो लव मी लव मी देख लो या जितने भी गाने हैं थाना में बैठे उसके लिए मैंने आवाज चेंज करी थी थोड़ी सी एक रफ hmm. यूपीआईड करी थे थाना में बैठे ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी

बोला उसको अपने छुपा के वो बड़े आदर से निकली यू करके यू करके यूं करके बड़े यूं आदर से निकली करके यू करके यूं करके गद्वा 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 और हम भी बड़े हैरान थे भी से बड़े परेशान थे अदब से गया पास यू करके यू करके <laughs> <laughs> ये ह्यूमर है वो गाने के अंदर है ना वाजिद जी ने गाया है आप पूछो कहाँ गाया है क्या गाया आप बताओ कि मैंने क्या गाया <laughs> यही जगह नहीं मेरे लिए बोलते ना है उसमें वाँगे वाँगे के आ ने बोला के ये मैं नहीं कर अच्छा क्योंकि <laughs> वो वो बैठ गया ना एकदम बड़ा रियाज किया भाई उसके लिए मैंने आजकल ये सब चीजों में रियाज चल रहा है आई थिंक

और आ, मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे दबंग फिल्म की और वैसे भी हमारी फिल्मों के हमेशा पार्ट रही है मैंने और उसने साथ में गाने भी बहुत गाए तो ये गाना जब आ, सोचा तो मैंने कहा ये श्रेया तो मतलब शील किलिट और वही हुआ जो श्रेया ने गाया है तो श्रेया इज़ एल्स एक्चुअली हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगिंग इज़ टोटली डिफरेंट मतलब हमारे यहाँ हमारे देश में ऐसे सिंगर्स हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं जैसे मुझे पर्सनली सुनीधि भी बहुत पसंद है सुनीधि इज़ ब्रिलियंट विथ हर ओन स्टाइल बिकॉज वो क्या करती है हमेशा गाने में कुछ एक नयापन लेके आती है सो so, श्रेया की जहाँ तक बात है श्रेया एक गाने में प्योरिटी लेके आती है और गाने में खूबसूरती लेके आती है तो ये ये हाँ तो ये ये दिस सिंगर्स सिंगर्स आर हैं इनको पता है कि आप इनको सीधी लाइन ड्रॉ करके दो तो ये ये अपनी क्या हरकत है और ये अपना अपना कुछ न कुछ उसमें डालती हैं यही नहीं कि सिंगर्स आया और उसने कॉम्पिटिशन सुनी है ये, है, ये वो ही गा गया। बड़ी अच्छी लाइन करी वो थी इनपुट कुछ ना कुछ डालते हैं ये इवन सोनू निगम ये जुबिन

बाबा आई लव यू वेरी स्वीट एंड एक सबसे अच्छी बात जो जुबिन की मैं कहूँगा जुबिन जो है बहुत अदबदार <coughs> बहुत अदबदार है और जो एक आजकल के सिंगरों में बहुत कम दिखाई देता है बिकॉज क्या होता है जब नाम हो जाता है ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई करता है लेकिन एक एटीट्यूड अलग दिख जाता है बट uh, जहाँ तक जुबीन की बात है वैसे तो सभी अच्छे हैं लेकिन जु जुबीन की बात है मैंने देखा है कि ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी

अरे यार ये तो मेरे को है ना अभी है ना ये सोचा नहीं था कि मुझे है ना, इसकी इतनी तारीफ करनी पड़ जाएगी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आमिली और uh, मुस्कान ने सरप्राइज दिया है मुस्कान की आवाज इतनी प्यारी है इतनी इनोसेंट है सिंगिंग तो अभी वो कर ही रही है सीख ही रही है तो अभी तो बोलते ना वो बहुत इनशा अल्लाह ने चाह तो और फ्यूचर में बहुत अच्छा और बहुत गाएगी लेकिन दबंग जैसी पिक्चर के अंदर और इतने बड़े लेवल पे वो गाना गाना और बिल्कुल डरना नहीं और जिस तरीके से इनोसेंस वो लेके आई आवाज़ में तो वो साई के लिए जो एक आवाज़ चाहिए थी हमको वो उसके लिए फिट बैठी है साई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस बिकॉज जब दबंग चालू हुई थी उस वक्त सोनाक्षी वॉज फर्स्ट फिल्म आई थिंक सोनाक्षी वॉज इंट्रोड्यूसिंग एट दैट पॉइंट टाइम तो सोनाक्षी के लिए रोमांस सोनाक्षी के पर्सनैलिटी uh, को सूट करके रोमांस देना तेरे मस्त अ मैजिक एंड इट वर्क लाइक अ मैजिक एंड आई थिंक साहि साहि अ माशा से वेरी ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़ वेरी यंग एंड उसके चेहरे पर मासूमियत और भूल है यू you नो know, तो वो टेक्स्चर आवाज़ में आना बहुत इंपॉर्टेंट था तब जाके वो डाइजेस्ट होता था और एक और अच्छी चीज़ ये है गाने की बिकॉज ये लो रेंज में गाया गया है तो लो रेंज में हमेशा आप तो ख़ुद इतना अच्छा गाते हो फरीदून आपके गाने में सुनता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट देते रहता हूँ आपको यू आर अ वेरी गुड सिंगर अरे इज इज माइंड ब्लोइंग एंड हाई रेंज ऑसम तो साइन कर ले दबंग <laughs> के लिए तो वट आई एम ट्राइंग टू से दैट जब लो स्केल में गाता है तो लो स्केल में सुर सस्टेन करना बहुत भारी पड़ता है तो वो लो स्केल में जो मुस्कान ने पहला पहला इश्क हुआ है पहला तजुर्बा पहली दफा है तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है सांसों के चलने की तू ही वजह है तो पूरी सिचुएशन में फिर उसके बाद में हमने उस गाने को इस तरीके से ढाला है कि वो बी के अंदर ये है पहला पहला इश्क हुआ है पहला तजुर्बा

रिवाज न मानूं मैं तो ठहरा सादा बंदा आवारा दिल मेरा मेरा दिल तुझ को ही ढूंढता रहता है ओ बेचारा आवारा आवारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है तो क्या प्योरिटी है साजिद भाई ने कंपोज किया गाना रारा 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 एक दिन मेरे को बहुत भूख लग रही तो मैं मांगना चलू गए मांगे फकीर दुआए <laughs> खाना पीना सोने का गल्ला <laughs> अल्लाह ने दे दिया या मेरे अल्लाह

पार्ट हाँ. yeah, ऑफ सावरिया ओम शान्तिय। ओम शान्तिय। रब तीस्मार... ने बना दी जोड़ी ओम शांति ओम तीसमार खान इतना फास्ट सावरिया में थे सलमान भाई रब ने बना दी जोड़ी ओम शांति ओम ओम शांति जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ी।, जोड़ी। हाँ तो, तो मैंने तो तीन बोला जिसमें थे

वो सलमान खान बॉर्न इन इंदौर थ्री वन कितने सवाल बाकी आ... ज़्यादा करो भाई अभी मेरे को लीड लेने का टाइम <laughs> ऐसे ही करते थे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे ना क्या हाँ। करते थे छह सवाल तो तो तेरा तो कर दूंगा काम सलमान खान इज डांसिंग विद होम जरीन खान रेट तू मेरे को बोलने तो दे <laughs> जरीन खान आई लाइक द नहीं बट इज नॉट डांसिंग विद जरीन खान इज डांसिंग विद डांसर जरीन खान तो एक डांसर है डांसर ज्यादा है तो मेजोरिटी कौन जीता मैंने बोला गलत बात नहीं ना ना तुमने एक्ट्रेस नहीं बोला था तुमने बोला सलमान खान इज डांसिंग विद विद्स तो इसने बोला जरीन खान जरीन खान तो एक अकेली डांसर पब्लिक बहुत ज्यादा थी

अच्छा। यार क्या तो डरने का क्या डायलॉग है अच्छा हाँ अरे भाई तो मेरे को नहीं मालूम देखा है हाँ दे? हाँ बता रहा हूँ आप पिक्चर देख लो यार अगर झूठ बोलू तो इसके सर पे डंडा डंडा मार देना बिकॉज हमारे हिसाब से तो ये बॉडीगार्ड का डायलॉग अच्छा तो तो तुम्हारे हिसाब से ना मेरे किताब से <laughs> तुम्हारा हिसाब किताब में झगड़ा हो जाएगा ये ऐसे ही करेंगे नहीं नहीं वो कोई बलती पिक्चर है तो ये मेरे खास से बॉडी गार्ड का ही है, हाँ तो है। को दे दिया पॉइंट। तुम्हारे बीच में राखी सावन तो नहीं है <laughs> उसने तुम्हारा okay, यार यार राखी सावन को क्यों लेके आ रहे बेचारी उसने क्या नेवर वर्क विद ललिता पवार ललिता पवार अनुष्का शर्मा सोनम कपूर प्रियंका चोपड़ा दीपिका पाडुकोन दीपिका कौन 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 इगारे, कौन नहीं नहीं बोला आ, वो के रहे हैं, आ, के नहीं बोला कह आपको पॉइंट मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है अभी मैंने <laughs> लीड पकड़ लिया हूं, अभी मैं जीत जाऊंगा इधर से विच ऑफ सलमान खान मूवी इज नॉट अ थ्री हंड्रेड करोड़ फिल्म बजरंगी भाईजान सुल्तान टाइगर जिंदा है किक बजरंगी भाईजान इज रॉन्ग तीनों तीन सौ के ऊपर की चार हाँ तो तीनों तीन सौ के ऊपर की चार पिक्चर का नाम बताया मैंने तो जो चौथी बज गई है वो तीन सौ के नीचे है। कौन सी वो मैं जीत गया पॉइंट ऐसा मत करो पिक्चर तो का मेरे हिसाब से तो तीनों तीन करोड़ की मारी है चारों नहीं नहीं मेरे के चार पिक्चरों का नाम है बजरंगी भाईजान बजरंगी भाईजान बजरंगी भाईजान बुलजाए तीन सौ टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा है एकता टाइगर करी थी ना अपने हाँ अपने एकता टाइगर करी टाइगर जिंदा है अच्छा ये मेरे नहीं किया था फिर टाइगर जिंदा है सुल्तान भी थ्री सुल्तान भी आई थिंक नहीं 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 किक 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 तो बहुत बड़ी थी तो करोड़ नहीं। right. आ, किक like 250, 40 करोड़ like आ, किक, किक, 250. आ, 300 आ, करोड़ राइट लाइक समथिंग दैट लेस इन द फॉलोइंग सलमान खान शाहरुख खान मेड अंस ट्यूबलाइट सुल्तान टाइगर जिंदा है प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट सदमा खा रही मैंने दिया था मैं Seven तो two. अच्छा दे दो भाई इसको दे दो Do दो सवाल और बचे आपने बचा सकते हैं इज्जत बचाने वाला कपड़ा नहीं रहा इज्जत बचाने की बात कर है सवाल ही ऐसे कर रहे हैं इन विच ऑफ दिल्मान खान ने समीर मुझसे शादी करोगी दुल्हन हम ले जाएंगे समीर बॉडी मुझसे शादी करोगी ठीक है सेवन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स है सलमान खान नेवर वर्क विद संजय लीला डेविड धवन करण जौहर आदित्य चोपड़ा करण जौहर आदित्य चोपड़ा आदित्य चोपड़ा अच्छा डायरेक्टर की बात कर रहे हो ना हाँ और क्या सॉरी मैं समझा कैरेक्टर सॉरी दोस्त म्यूजिक <Music> डायरेक्टर अपने <laughs> कानपुर में थोड़ा सा हड़ताल चल रही है <laughs> <laughs> कानपुर में हड़ताल चल रही है एट थ्री के मार्जिन से वाजिद भाई ये जीत चुके हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके मैं इंटरव्यूज तो देखते ही रहता हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है तो ये बड़ा जो आपका रैपिड फायर जो है बड़ा एक्साइटिंग होता है अच्छा इसमें लिखा है बॉलीवुड के बाप हा? बॉलीवुड हंगामा सो ब्यूटीफुल थिंग यार थैंक यू गाइस हारने पे भी जीतने वाले को बोलते हैं साजिद बाय <laughs> Yes, वाजिद भाई ने ये प्राइज जीता है अवार्ड जीता है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बॉलामा पे आने के लिए एंड कंग्रेचुले फॉर द यू सक्सेस ऑफ द म्यूजिक ऑफ द बंग थ्री एंड वी होप दैट आप लोगों के साथ में इस तरीके से मुलाकात होती रहे और आप लोगों के नए नए आप लोगों के जो म्यूजिकल आप, आप मजा आई ना भाई बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच इट वॉज आई थिंक थिंकटेनिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन विद यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट विशेष फॉर एवरीथिंग दैट बी डूइंग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच